थोड़ी सी सेल्फ क्रिटिसिज्म भी है, यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पता नहीं बुद्धिस्ट भी हैं। मैंने किसी को इतना नुमाया होके लोकल सोसाइटी से टक्कर लेते नहीं देखा। ये कोई हमारा अपना ही एक सेंस ऑफ अपनी है कि वी आर द सुपीरियर मोस्ट। हाँ तो वो अनरीजनेबल है ना, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये सुना है आपने कॉग्निटिव डिसोनेंस? कॉग्निटिव डिसोनेंस मींस, कॉग्निटिव डिसोनेंस मींस that your own self-estimation is here, but your actual achievement is here. So this gap between your idea of yourself and your actual position creates a tension in you, and that tension then becomes aggression. ये मसला है। अगर आप अपने दिल में मानना चाहें कि हम सबसे superior हैं और जन्नत में आप ही जाएंगे, तो I don't think or normal Dutch would have a problem, as long as you keep it to your prayers and your privacy and so on and so forth. लेकिन अगर उस बुनियाद पे आप इस society को by force ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो वो आपको उड़ा देंगे। कोई democracy अपने को क्या कहते हैं कब्र खोलने के लिए थोड़ी लोग बनाते हैं, वो तो freedom के लिए बनाई जाती है democracy. So every freedom has a concurrent duty as well.